वेलकम बैक टू ई लर्नम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में। गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री सेक्शन को, जो कि लोगों को काफी टफ लगता है, उसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ एक रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ एक ब्रिज कोर्स उन लर्नर्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लगता है या फिर आता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में। ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। गाइस वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें, अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहे यानी T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, जिसको हम डिसॉल्व कर सके सॉल्वेंट में, जिससे कि आपको एक लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए यानी मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना वो घोल पा रहा है, राइट? तो उसी को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का डिसॉल्व करना है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अच्छा, क्या ऐसा ही कुछ हम मोलारिटी में सुनते हैं? मोलारिटी क्या है? मोलारिटी की अगर हम बात करें, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वन बाई वी। और यहां पर वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है और ये जो है ये ग्राम्स में होता है। ठीक है, अच्छा, क्या ये भी सिमिलर टाइप का चीज है? बिल्कुल, यहां पे हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, यहां पे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम में, राइट? गिवन वॉल्यूम में। अच्छा, अब अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या फिर एक्स भी ले सकते हो आप वैल्यू। ठीक है, यहां पर एक्स के फॉर्म में बताया, मैं आपको डब्ल्यू के फॉर्म में भी बता रहा हूं। तो मॉलिकुलर वेट इंटू 1 by v in liters। अच्छा, यहां पे आपका यूनिट क्या होगा, एक बार इस पे ध्यान दीजिए। अगर यहां पे आप बात करोगे तो यूनिट क्या होगा, सिंपली मोलारिटी जैसा ही होगा, मोल्स, या तो आप मोलर लिखोगे या फिर आप लिखोगे मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये दो ही आपके पास यूनिट्स हो सकते हैं इस केस में। अच्छा, अगर देखिए सॉल्युबिलिटी को बहुत बार, यानी कंसेंट्रेशन को इन जनरली हम बहुत बार अलग अलग टर्म्स में लिखते हैं, तो यहां पर हम एक दूसरा कंसेंट्रेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं, यानी ग्राम्स पर लीटर में भी इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, तो ग्राम्स पर लीटर में अगर करना है तो क्या करोगे आप, सिंपली आप मॉलिक्यूलर वेट को इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। तो एस इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे अगर, यानी मोलर मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके मोलैरिटी वाले सॉल्युबिलिटी को, है ना, जिसमें यूनिट मोलैरिटी में था, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी L। ये किस में है, ग्राम में है, ये किस में है, लीटर में है, यानी ओवरऑल यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर, एंड दिस विल आल्सो बी सॉल्युबिलिटी। यानी सिंपली सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर और सॉल्युबिलिटी इन मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, अगर इसको आपको चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल रिलेशन यूज करोगे, एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, रिलेशन इज सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया। कैसे होगा, मैंने आपको अभी डिराइव करके बता दिया, राइट? चलिए अब बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है किन किन चीजों पे, वो डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कितना अमाउंट ले रहे हो सब्सटेंस का उस पे डिपेंड नहीं करता सॉल्युबिलिटी, ना ही वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे, इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। ताजुब हो गया आपको, है ना, ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है तीन चीजों पे। तीन चीजें क्या क्या है, एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इसके बारे में आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे बाद में, ठीक है, तीसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर से बता दूं, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यही तीन मेन फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। और एक और बात, सॉल्युबिलिटी को हम मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने तो बताया ही मोलैरिटी से उसका बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, कुछ अलग है ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। अच्छा, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, भारी अंग्रेजी है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या है, कि बहुत कम सोल्यूबल होता है, हार्डली सोल्यूबल होता है, बाकी ऐसे ही अनडिसॉल्व्ड पड़ा रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने AgCl का एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, जो उसको मैंने वाटर में एड किया AgCl,
ठीक है, वाटर में ऐड किया तो कुछ तो वाटर में डिजोल्व हो गया, बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व हुआ, वेरी स्मॉल अमाउंट गेट्स डिजोल्व, एंड बाकी जो है यहीं पे पड़ा हुआ है अनडिजोल्व, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अनडिजोल्व पड़ा हुआ है अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अच्छा, एक चीज हमें पता होना चाहिए कि भाई देखो ये तो एक सॉल्ट है, सॉल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट है, यानी Ag प्लस और Cl माइनस इस तरीके से होगा, और इसको जब आप वाटर के प्रेजेंस में रखोगे तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी डिसोशिएट हो जाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, जैसे NaCl के केस में होता है सिमिलर वे में ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो यानी इसका डिसोल्यूशन हो सकता है, तो AgCl का जो क्वांटिटी डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, AgCl का जो क्वांटिटी यहां पे डिसॉल्व हो सकता है, Ag प्लस और Cl माइनस आयंस दे सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, AgCl की सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा बिटवीन अनडिसॉल्वड AgCl जो कि अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, और एक तरफ जो डिसॉल्व हो चुके हैं, जो आयंस डिसोशिएट होकर मिल चुके हैं, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और इसी इक्विलिब्रियम से कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, AgCl ये हो गया सॉलिड, ये क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, यहां पे डिसोशिएट हो रहा है, और उल्टा प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, क्योंकि आयंस अगर जुड़ रहे हैं वापस और सॉलिड के फॉर्म में वापस प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस हो गए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा दोनों प्रोसेस में, एक फॉरवर्ड होगा एक बैकवर्ड होगा, तो ये आपको क्या देगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ऑब्वियसली ये एक्वस आयंस होंगे, ठीक है, एक्वस आयंस होंगे। अच्छा, अब कभी भी आपको इक्विलिब्रियम मिले, और इक्विलिब्रियम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप क्या करोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आई होप आपको आता होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन का मतलब प्रोडक्ट्स का जो कंसेंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट, यानी Ag प्लस इंटू Cl माइनस, उसका कोई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहे तो वो पावर बन जाएगा, यहां पे है नहीं, वन है तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, और दिस विल बी डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये जो है, ये क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड को हम जनरली इग्नोर करते हैं, मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट ही रहेगा, सॉलिड का तो कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, तो ये कांस्टेंट है, अब ये भी आपको पता है कांस्टेंट है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आप ही बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम इधर लेके जाएं, इससे मल्टीप्लाई कर दें और एक नया कांस्टेंट जनरेट करवा दें, बिल्कुल पॉसिबल है, चलिए लेके जाइए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, के ई क्यू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl विच इज कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो दिस इज Ag प्लस Cl माइनस। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज Ksp, इसी को कहते हैं Ksp, तो Ksp क्या है, प्रोडक्ट ऑफ K into AgCl, या फिर कोई भी सॉल्ट के लिए आप कर सकते हो, तो बेसिकली दिस इज नोन एज Ksp, एंड Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसेंट्रेशन। तो डिफाइन करते हैं, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, किसी भी यहां पे आयंस का जो कंसेंट्रेशन है उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, राइट, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस, आसान है ना, जस्ट आयंस को ले लो, उसका कंसेंट्रेशन ले लो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, तो जो भी प्रोडक्ट उनका आएगा दैट इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे सॉलिड सॉल्यूट और आयंस जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो Ksp निकालना शुरू करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं CaCl2 का, CaCl2, चलिए इसका डिसोसिएशन लिखिए, ये डिसोशिएट कैसे करेगा, Ca2+ में, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 2Cl- मिलेगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं Ksp लिखने की, तो Ksp में आप क्या करोगे, सिंपल यहां पे लिख दोगे Ca2+ और इधर लिख दोगे Cl-, और ये जो है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दोगे, चलिए ये तो हो गया आपका Ksp का एक्सप्रेशन। सिमिलरली AlCl3 के लिए, AlCl3 के लिए क्या करोगे, AlCl3 है, इसको आप तोड़ोगे Al3+ में प्लस 3Cl- में, अगर इसका Ksp लिखना पड़ा तो आप क्या लिखोगे, Al3+ और इधर लिख दोगे Cl- टू द पावर 3, क्योंकि ये पावर बन जाएगा, राइट। अच्छा, तो क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्ट रहे ऑफ AxBy टाइप्स, AxBy मतलब आपके पास CaCO3 हो सकता है, आपके पास Na3PO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट रहे, इसको आप कैसे लिखोगे, x, x क्योंकि नंबर है,
है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एक्स ए, और यहां पे क्या, ये इसका वैलेंसी था, वाई इसका वैलेंसी था, तो वाई प्लस, ऐसे आपने वैलेंसी लिख दिया। प्लस बी के लिए भी सिंपल है, बी के लिए नंबर कितना होगा, वाई होगा, तो वाई उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन गया और एक्स माइनस होगा यहां पे वैलेंसी उसका, राइट। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब लिखिए के एस पी सिंपली, जैसे आप किसी भी आयन के लिए कर रहे थे, यहां पे बस हम जनरलाइज कर रहे हैं एक्स वाई लेके, किसी के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, राइट। तो यहां पे ए वाई प्लस टू द पावर, क्योंकि ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन जाता है एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा यही चीज बी एक्स माइनस टू द पावर वाई। दिस इज योर के एस पी इन जनरल फॉर्म, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, किसी भी सॉल्ट के लिए यूज करेंगे बाद में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, पढ़ के फायदा क्या है, है ना, फायदा तो देखना है अपना। चलिए तो अगर आपको कभी भी सॉल्युबिलिटी निकालने बोल दे, केएसपी दे देगा, सॉल्युबिलिटी दे देगा, उनके बीच में रिलेशन निकालने बोल देगा, काफी इस तरीके से घूम घूम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक चीज देके दूसरा चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो यहां पे हम बहुत सारे केसेस देखेंगे, जैसे अगर आपके पास मोनो मोनो डाई डाई सेम सेम वैलेंसी टाइप के सॉल्ट्स हुए, ये एक केस हो सकता है। एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें एक मोनोवैलेंट हो दूसरा डाईवैलेंट हो, कैटायन एनायन कुछ भी। यहां पे एक और केस हो सकता है कि मोनो ट्राई हो या फिर ट्राई मोनो हो, है ना, कैटायन ट्राइवेलेंट हो मोनोवेलेंट हो, इस तरीके से हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास डाइवेलेंट हो कोई ट्राइवेलेंट हो, तो अलग अलग केसेस जितने पॉसिबल केसेस हैं यहां पे हम बात करेंगे और उसके बाद उसको फिर से जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले तो हम मोनो मोनो की बात करते हैं, है ना। यहां पे अगर आपके पास मोनो मोनोवेलेंट है या फिर डाई डाइवेलेंट है या फिर ट्राई ट्राइवेलेंट है, मतलब क्या NaCl हो गया प्लस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन, ठीक है, BaSO4 हो गया प्लस टू माइनस टू, CH3CO मतलब माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे प्लस टू माइनस टू, प्लस वन माइनस वन, इस तरीके के अगर आपके पास केसेस रहे तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप तो उसको लिखोगे कि भाई देखो जनरल टाइप का है ये, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे दो दो भी रहा तो वो कट जाएगा ना, वो वापस इसी फॉर्म में आएगा, तो इसको आपने लिख दिया ए बी। ऐसे आप किसी भी सॉल्ट के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जांपल ले लेके खुद ही ट्राई करना, यहां मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको। तो ये ए प्लस प्लस बी माइनस में टूट जाएगा। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स आए आप इसी तरीके से करोगे। देखिए सबसे पहले आप बाजार से खरीद के लाए, मतलब इनिशियल ये कितना है, ए है, ए है, अभी तक ये बना नहीं है, अभी तक ये टूटा नहीं है, जस्ट आप खरीद के लाए हो। अब आप इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो, थोड़ी देर तक ये रिएक्शन चला है उसके बाद देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ए में से एस निकल चुका है और ये जो है यहां पे एस बन चुका है, यहां पे भी एस बन चुका है। अब आपको इक्विलिब्रियम के कंसेंट्रेशंस मिल गए, अब आप एक्सप्रेशन लिखो के एस पी इज इक्वल टू ए प्लस का कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन इंटू बी माइनस का इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। तो यहां पे ये क्या था, एस था, ये भी एस था, यानी दिस विल बी एस स्क्वायर। तो के एस पी अगर एस स्क्वायर के बराबर हो गया तो एस, तो अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, रूट ऑफ के एस पी। ये हो गया रिलेशन। ऐसे आपको रिलेशन निकालना है किसी भी सॉल्ट के लिए, आपको कुछ भी एग्जांपल दे दे ऐसे ही करना है। चलिए अगला देखते हैं, अगले में मैं बस एनोटेट करता जाऊंगा, आप बस देखते जाइए। यहां पे क्या है ए बी टू, ये किस में टूटेगा, ए टू प्लस और टू बी माइनस में। अच्छा ये भी आप बाजार से खरीद के लाए हो, तो ये कितना है, अभी इनिशियली कितना है, ए है, यहां पे तो कुछ बना नहीं है, जीरो जीरो। अच्छा इसमें से एस निकल गया तो इधर कितना बना एस, और इधर कितना एस नहीं बनेगा, आगे देखिए यहां पे टू लिखा हुआ है ना, ये टू को भी तो आपको मल्टीप्लाई करना है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, तो ये टू एस हो जाएगा। अच्छा वापस केएसपी लिख लोगे, केएसपी का आप यहां पे लिख ले रहे हो ए टू, ए प्लस टू और बी माइनस का कंसेंट्रेशन और यहां पे रेस टू द पावर टू, क्योंकि केएसपी में आपको पता है पावर बन जाता है, राइट। तो अब यहां पे आपको कंसेंट्रेशन पता है, बस यहां पे वैल्यू बैठा दो, ए के जगह पे आप एस बैठा दो, इसके जगह पे टू एस बैठा दो, तो एस इंटू टू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू फोर एस का स्क्वायर एंड देन इट बिकम्स फोर एस क्यूब। अब फोर एस क्यूब आपको मिल गया, आप एस और के एस पी के बीच में आराम से रिलेशन निकाल सकते हो, फोर को उधर लेके चले जाओ डिवाइड कर दो और फिर उसका क्यूब रूट निकाल लो, ये आपने एक्सप्रेशन ला दिया। नेक्स्ट FeCl3 AlCl3, इसके लिए अगर हम ऐसा केस देखें तो AB3 टाइप है, क्या ही अलग होगा, AB3 टाइप अगर है तो आप किस में इसको तोड़ोगे, A 3 प्लस प्लस 3 B माइनस। अच्छा ये बाजार से आप खरीद के लाए हो, अभी कितना है, ये A है, ये 0 है, 0 है, अभी अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो क्या होगा, इसमें से S निकल गया, इधर S बन गया, इधर कितना बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ S बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करोगे, KSP, KSP आप निकालोगे, दिस बिकम्स A 3 प्लस और इधर B माइनस टू द पावर थ्री, यहां पे कांस्टेंट लिख दो, मतलब कंसेंट्रेशन लिख दो इक्विलिब्रियम वाला, ये एस हो गया, ये क्या हो गया, थ्री एस हो गया और टू द पावर थ्री हो गया, दिस बिकम्स क्या, 27 एस टू द पावर फोर। अब आपको के एस पी और इसका रिलेशन मिल गया, अब आप क्या करोगे, के एस पी बाई 27 1 बाई 4, सिंपल, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन।
ऐसे ही आप किसी और के लिए भी निकाल सकते हो, ए टू बी थ्री टाइप है, क्या ही अलग हो जाएगा, ए टू बी थ्री में भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए यहां पे आप क्या करोगे, ए टू बी थ्री गिव्स यू टू ए थ्री प्लस प्लस थ्री बी टू माइनस, डिसोसिएशन आपको लिखना आ गया। उसके बाद यहां पे करोगे आप ए जो बाजार से खरीद के लाए हो, ये ए है, ये जीरो जीरो है, यहां पे एस जो है इसमें से एस जो है यहां बना, तो ये ऑब्वियसली 2 है आगे, तो इसलिए 2s बनेगा, यहां पे 3s बनेगा, आपको मिल गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब आप क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखोगे और वहां पे क्या कर दोगे, कंसंट्रेशन का वैल्यू बैठा दोगे। कंसंट्रेशन का वैल्यू बैठाने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा ksp का, दोनों का रिलेशन मिल गया, s इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल है, आप टेक्निक सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कर लोगे। और मैं इसको जनरलाइज भी कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो जनरलाइज करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, वही ax मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, ए एक्स बी वाई गिव्स यू ए एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, ये हो गया डिसोसिएशन। अच्छा यहां पे अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट में, ये ए था, ये जीरो था, ये जीरो था। अगर मैं इक्विलिब्रियम में बात करूं तो ए में से एस निकला, यहां पे ध्यान से देखिएगा एक्स टाइम्स ऑफ एस बना, यहां पे देखिए वाई टाइम्स ऑफ एस बना। अच्छा अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, ksp विल बी ए वाई प्लस टू दी पावर एक्स, और यहां पे लिखोगे आप बी बी एक्स माइनस टू दी पावर वाई। इसका कंसेंट्रेशन कितना था इक्विलिब्रियम पे, दिस इज x इंटू एस टू दी पावर एक्स, और ये कितना होगा y इंटू एस टू दी पावर वाई, दिस इज योर ksp। अब आप इसको थोड़ा निकाल के लिखो, x टू दी पावर x, s टू दी पावर x, y टू दी पावर y, s टू दी पावर y, एंड फाइनली इसको अगर आप थोड़ा और रीअरेंज करके लिखोगे तो एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, एंड दिस बिकम्स एस एक्स प्लस वाई। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ksp जनरल, किसी के लिए भी कोई भी सॉल्ट हो, कितना भी वैलेंसी हो, आप बस एक्स और वाई के फॉर्म में से पुट करोगे और आप रिलेशन निकाल लोगे डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन पे अब इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन से लड़ लोगे, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस चीज को समझे अच्छे से। अब अप्लाई करने का बारी, ठीक है। यहां पे आपको ksp दिया हुआ है, खुद प्रैक्टिस करना है, राइट, और आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। यहां पे क्या है, ksp दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और आपको यहां पे कंसेंट्रेशन दे दिया है सॉल्यूशन का, और वहां पे सॉल्युबिलिटी पूछा है, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, राइट। तो यहां पे ये पूछा है, तो आपको सिंपली ksp और सॉल्युबिलिटी के बीच का एक रिलेशन निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आप डील कर लोगे, अगेन ये भी एक pyq है, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।